उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम देवली के रहने वाले एक व्यापारी का अपहरण हो गया है। व्यापारी के अपहरण से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम देवली में दहशत का माहौल है। वहीं व्यापारी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि व्यापारी 21 सितंबर की रात 9:30 बजे के लगभग बलैरो में सवार होकर घर वापस जा रहा था। बलैरो को उसका चालक चला रहा था। जब वह गागसी कुचेला के मध्य नहर पुल पर पहुंचे तो स्कॉर्पियो में सवार 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी के बलैरो को ओवरटेक करते हुए रोक लिया। व्यापारी के बाहर निकलने पर हथियारों से लैस बदमाशों ने बलैरो के सभी शीशे फोड़ दिए और चालक और व्यापारी की जमकर मारपीट की। इसके बाद नकाबपोश बदमाश बलैरो और चालक को छोड़कर व्यापारी का अपहरण कर स्कॉर्पियो में डालकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बलैरो चालक से घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि यह ताजा मामला यूपी मैनपुरी जिले के थाना दनाहार क्षेत्र के कीरतपुर चौकी का है। सोमवार शाम को व्यापारी सुलेमान, जो कि ग्राम दुल्ही बरनाहल क्षेत्र का रहने वाला है, जो दुल्ही पर ही बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करता है, गत शाम को जब यह मैनपुरी से वापस दुल्ही के लिए निकले तो लगातार एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार उनका पीछा कर रही थी। लेकिन इनको यह आभास नहीं था यही स्कॉर्पियो कार कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके चलते जब यह सफेद रंग की कार बरनाहल मैनपुरी मार्ग पर गंगासी कुचेला के पास पहुंची, उसी समय कार ने ओवरटेक करके बलैरो को रोक लिया और व्यापारी सुलेमान को 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जबरदस्ती खींचकर अपनी स्कॉर्पियो कार में डालकर ले गए। सुलेमान के ड्राइवर वो उसके बलैरो को वहीं छोड़ दिया, साथ ही ड्राइवर का फोन भी अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद जब राहगीर वहां से निकले तो चालक इमरान ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। अपहरण की सूचना लगते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। ये घटना थाना दन्नाहार क्षेत्र जनपद मैनपुरी का है। इसमें एक सद्दाम हुसैन नामक करीब 30 वर्ष के युवक ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिसमें बताया है कि उनके बड़े भाई सुलेमान अपने ड्राइवर के साथ बोलेरो गाड़ी से मैनपुरी शहर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उसी दरमियान सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 लोग आए हैं और उन्होंने उनके बड़े भाई सुलेमान को अपने साथ लेकर के गाड़ी में बैठा करके भाग गए हैं, जबकि बोलेरो गाड़ी और ड्राइवर इमरान को छोड़ गए हैं। इस तरह की तहरीर इनके द्वारा दी गई, तत्काल इस तहरीर पर दन्नाहार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके भाई की तलाश के लिए और घटना के खुलासे के लिए तेज तर्रार 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, वो अपना काम लगातार कर रही हैं। कुछ क्लू मिले हैं और उन क्लूज़ के आधार पर डेवलप करके शीघ्र घटना का खुलासा करके सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। रास्ते में गाड़ी में सकते हैं, चाहे गाड़ी की शीशा तोड़े। अच्छा, किसी से दुश्मनी या कोई बात थी क्या? अच्छा, तो उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई की, क्या देखने को मिला है? मतलब क्या काम क्या करता था आप लड़का? काय की दुकान है? हमारा शौकीन। शौकीन क्या पूरा मामला है, क्या घटना हुई है? हमारा बेटा कल ड्राइवर को लेकर और गाड़ी लेकर मैनपुरी के लिए निकला था 10 या 10:30 बजे। बिल जमा करना थे सेल टैक्स के, GST के, और उसके बीच में फिर हमारी बात नहीं हुई है। अब दिन में किन किन लोगों की बात हुई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 4 बजे तक लौट के वापस आ जाते थे। 2 महीने में 1.5 महीने में आना जाना था उस जगह पर जिस जगह कर रहे थे, और मैंने भी कल बात नहीं की। अम्मी काम ज़्यादा उनके पास, वहाँ पर बिजी हो जाते हैं, तो मैंने बात नहीं की। शाम को जब दुकान बढ़ाने का जब समय हुआ तो मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया किसी के फ़ोन से,
कि भैया सुलेमान को गाड़ी के शीशे तोड़ कर ले गए। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आप पेशे से क्या हैं, क्या करते हैं आप? क्या हमारी गिट्टी बालू सरिया सीमेंट की दुकान है चौराहे पर, सुलेमान बेले बटे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी तक आपको? पुलिस ने बोला है शाम तक जो भी होगा वो पता लगा के हम देंगे। अभी विधायक जी आए थे, वो भी बोल के गए हैं शाम तक दूध का दूध पानी का पानी। किसी से कोई दुश्मनी या कोई? हमारी साहब किसी से न गांव में न क्षेत्र में कोई दुश्मनी नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई इसी बस हुई है दोनों से, लेकिन वो इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.